स्ट्रेट लाइन के मैंने कुछ PYQs लिए हैं जो 2020 के हैं, मतलब 2020 के हैं, मिल गए लकीली ना, बहुत सारे मिल गए। उसी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप मैम लोग भी कह रहे होंगे कब से तो स्टार्ट ही हो रहा है, कब होगा? चलो, आज का डेट जरा बता देना। 8 है? यस यस मैम, मैम। मैम 8 तारीख, 8/3 ये तारीख लेक्चर 8 तारीख, नंबर 8/3 लेक्चर नंबर कितना है ये हमारा स्ट्रेट लाइन का? 5 है, 5वां है, याद है? क्योंकि 5वें दिन तो मैथ्स ही पढ़ रहे हो तो 5वां ही हो। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का नहीं है और उसी से शुरुआत करेंगे, बाकी सब प्रीवियस ईयर वाले। संडे को आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट के लिए PYQs भी बहुत है, अगर आप पढ़ अब रहने लेते दो हो। ना, मंडे को पेपर है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आप स्किप करते हो टेस्ट तो कुछ नहीं बोला जाएगा क्योंकि मंडे को आपका पेपर है ना। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 1 लिया है हमने। द लाइन एल गिवन बाय एक्स अपॉन 5 + y / b इक्वल्स टू पासेस थ्रू द पॉइंट 1332। The line K is parallel to L and has the equation x upon c plus y upon 3 equals to 1. Then the distance between L and K is. समझे क्वेश्चन का मतलब? क्या कह रहा है कि एक लाइन है गिवन बाय दिस पासेस थ्रू द पॉइंट 1332। द लाइन K इज पैरेलल टू L, एक और लाइन है जो L से पैरेलल है एंड हैज दिस इक्वेशन। तो हमने क्लास में एक बार ऐसे ग्राफ बना करके सॉल्व किया था, राइट? पैरेलल वाला केस एक बार ऐसे देखा था और एक बार ऐसे देखा था, मतलब एक बार पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड के इज, सो इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं हम। क्या है हमारा? एक्स अपॉन 5 + y / b इज इक्वल टू 1। पॉइंट्स क्या है जिससे पास हो रहा है? 1332। एंड अनदर इक्वेशन इज एक्स अपॉन सी प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इसकी जो स्लोप होगी वो m1 होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो m2 होगी। हमें दोनों का स्लोप चाहिए। m1 इज इक्वल टू m2, तो मेरा m1 कितना हो जाएगा? m1 हो जाएगा -b/5, ठीक है, b अपॉन 5 ले लिया आपने, विच इज इक्वल टू m2 कितना हो जाएगा? -3/c। वैसे माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि रेसिप्रोकेट कर रहे हो इसलिए पूरा साइन ही उल्टा कर दिया, या फिर इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर चले गए हो इसलिए। जनरली होता है ना, किसी चीज की पावर माइनस में दी होती है तो हम लोग उसको 1/3 में लिख लेते हैं, होता है राइट? 1/3 लिख लिया, सपोज 3 की पावर -1 में है तो। यस, हाँ। जब आप इसको रेसिप्रोकेट करते हो तो क्या पूरा का पूरा साइन हम चेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकेट करने पे? पूरा साइन तो चेंज नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है। आप इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं बनता, साइन आपका चेंज नहीं होगा। या तो आप एक काम करो, इक्वल्स टू के इस तरफ लेकर चले जाओ। इस तरफ लेकर भी जाओगे तो क्या स्लोप निकालना पॉसिबल होगा हमारे लिए? नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि पूरे को आप क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी साइन चेंज हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? ये BC विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। M1 M2 तो चलो हो गया यहाँ पे,
अभी ये पॉइंट है हमारे पास 1332. हमें पता है कि हमारा जो एल है पासस थ्रू द पॉइंट 13,32 विच इज इक्वल टू आपका होगा. अब देखना ये किसके लिए स्लाइड है कि नहीं है, वही मुझे एक डाउट है. नहीं है स्लाइड. चलो एक स्लाइड बनाते. ये स्लाइड बनाने चला गया पूरा का. ओके 1332 मतलब पहला क्या होगा मेरा 13/5 प्लस 32/b विच इज इक्वल टू 1. b कितना हो जाएगा मेरा यहां से -20. बी सी कितना है मेरे पास 15. तो सी कितना हो जाएगा इसको अगर रखते हो तो -3/4 हो जाएगा. ठीक है. देयरफोर मैं कह सकती हूं द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस एल एंड के आर 4x-y-20 is equal to 0 and 4x-y+3 is equal to 0. हमें पूछा क्या है वैसे? खाली इक्वेशन पूछा है क्या इसने? अगर खाली इक्वेशन पूछा है तो इक्वेशन तो निकल गया. Then the distance between L and K, इसने दूरी पूछी है. डिस्टेंस कितना है तो डिस्टेंस कितना बैठेगा मेरा. इससे डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, किसी को कोई आइडिया है? एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से निकालोगे तो क्या एक्स की वैल्यू एक आएगी और वाई की वैल्यू आएगी. वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना है. चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं ना. 4x-y-20 इक्वल टू 0, 4x-y+3 इक्वल टू 0. क्या करे, माइनस करे कि प्लस करे? नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे. कैंसिल आउट हो जाएंगे. अच्छा ठीक है, तो फिर कैसे होगा? कुछ तो बचेगा इसमें. अगर आप इसको माइनस करते हो तो इसका भी तो साइन चेंज होगा. एक्स और वाई कैंसिल आउट हो गए तो बचा हमारे पास 23 विच इज नॉट पॉसिबल. देन डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें? कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने का? x2-x1² + y2-y1² का होल अंडर रूट. अच्छा x2-x1² + y2-y1² पूरा का पूरा अंडर रूट में. तो x2-x1 कितना होगा? 4-4 = 0, 0² + 1-1 = 0, 0² मतलब डिस्टेंस हमारा 0 है. 23 भी तो है तो उसको क्या करोगे? आपको तो x y से मतलब है ना. और क्या क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है, चलिए लगाते हैं. इनके ऑप्शन देख लो कैसे आ रहे हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 23/√17 आना है. कैसे आएगा? अब कैसे भी 23 लाना है ना हमें. डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला? कोई तो फॉर्मूला होगा ऑफकोर्स. कौन सा होगा पता नहीं. हम्म,
पता करना पड़ेगा ना. यस मैम. कैसे? सोच की. सोचिए. चलो मैं भी सोचती हूँ, आप लोग भी सोचिए. बॉयज, हमारा ग्रुप बी, सॉरी जेई टू, बैच जेई टू का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा मुझे. सारे लोग एकदम अड़ गए हैं कि हमें नहीं पता, आपका काम है आप बताइए हमें कुछ. पिछले अपने वैसे से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या एक्स या वाई से? जल बताओ, आप अपना दिमाग लगाओ. गुड, क्या कह रहे हो? हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. मतलब जैसे कि हमने पहली वाली ली तो जो वाई की निकाल रहे हैं तो सारे इक्वेशन वहां ले जाते हैं, मतलब 20 को उधर ले जाते हैं जीरो साइड और 4x को. तो y is equals to minus 4x plus 20. L is equal to k करना चाहते हो? नहीं मैम, ये जो इक्वेशन है ना, y की y को राइट हैंड साइड रखो, बाकी सारी लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ. तो उससे y मिलेगा आपको 20 minus 4x, वो कह रहे हो? यस मैम, इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी ना. तो दूसरी वैल्यू है ना. इसके बाद हमारे सारे जेई के क्वेश्चन है. आप लोग यहाँ पे सोचो एक मिनट के लिए, मैं बस म्यूट कर रही हूँ थोड़ा. एक जस्ट अ सेकेंड, इंपॉर्टेंट चीज. ओके okay. हो गया था. क्या कह रहे हो? डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी तो था. किसका फॉर्मूला? सेजल, डिस्टेंस का स्टेट क्लास में पढ़ा है. क्या है उसका फॉर्मूला? एक मिनट, एक मिनट. ओके, टेक योर टाइम, नो इशू. ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, बट प्रॉब्लम इसने बहुत क्रिएट कर दिया हमारे लिए. कैसे निकालोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस? आयुष, आपने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, आप बहुत रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट हो क्लास को. विशाल, मैं कर रहा ट्राई. ओके प्लीज ट्राई एवरीवन. एक्स को और वाई को अगर एच और के ले ले फिर तो एच और के लेकर क्या करोगे आप? एच और के ले लोगे, ये नहीं हो जाएगा कि ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड में डिस्टेंस. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतना भी ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे किसको आप? 16 प्लस 1 आएगा ना फिर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे 17 तो आ जाएगा ना. अच्छा 17. ओके फिर एच प्लस बी के प्लस सी कांस्टेंट ए एच प्लस बी के. तो सॉल्व करेंगे तो
ऊपर वाली वैल्यू मिल जाएगी मैम। कैसे कैसे सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यू रख रख दोगे कैसे? पॉइंट दे रखे हैं ना, तो बस एच और के की जगह रख देना है। डांटो मत बताओ बताओ, मैं भी टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, बताओ मुझे। नहीं मैम हमें पॉइंट मिल रखे हैं ना, तो हम एच और के की जगह रख देंगे उन पॉइंट्स को। मतलब थर्ड पॉइंट में क्या रखना चाहते हो एच और के की जगह पे आप? एच और 13 और जो पॉइंट दूसरा है उसमें के। ओके एंड ए और बी 4 और 1 और सी। ओके प्लस सी को गोली मारो, कांस्टेंट है वो, चलो उसको उतना भी। तो ये कितना आ रहा है आपका? ज्यादा ही होगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी आप क्या वैल्यू रखना चाहते हो। मैं सब माइनस साइन नहीं लगेंगे जो मतलब लगे हुए हैं इक्वेशन में। माइनस लगाओगे भी तो स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं आना है वो ऊपर में। अगर माइनस ऊपर ऊपर में अगर माइनस लगाओगे तो यहाँ पे माइनस होगा ना, यही कह रहे हो? 13 4 कितना होता है बच्चों? मैम ये जो फॉर्मूला लिखा है उसमें ऊपर C2 - C1 नहीं होगा? हाँ जी C2 - C1 मैम इस फॉर्मूले में C2 - C1 होता है। कांस्टेंट 3 होना चाहिए अभी, फिर 23 आ जाएगा। C2 - C1 तो C है क्या आपका यहाँ पे जो आप C2 - C1 बता रहे हैं? C हमारा 3 होना चाहिए तभी हमारा 23 आएगा। 23 के पास पीछे मत भागो, आपके 23 कैसे आएगा? मैंने आपको नहीं बताना चाहिए था आंसर, 23 के पीछे ही मत भागो आप। हो सकता है कभी कभी ऑप्शन गलत हो सकता है मैंने आपको गलत आंसर बता दिया, जरूरी थोड़ी कि मैं सही बताऊंगी। ट्वेंटी थ्री आ रहा है आपका कैसे सेजल, आप कैसे भी लाना चाह रहे हो आ रहा है। कांस्टेंट 3 रहना पड़ेगा बस, इतना फर्क है, कांस्टेंट हमें 3 रहना पड़ेगा। कांस्टेंट में ऐसी 3 कैसे रखोगे आप, क्योंकि यहां पे सभी आएगा। 3 2 की जगह 3 रख देंगे तो हो जाएगा 23। कुछ भी रख के ला दोगे फिर हो जाएगा। और सोचने दो, 24 तो आ गया आपका भाई, 24 में से 1 माइनस करोगे तो 23 भी आ जाएगा। है ना? अपनी मर्जी से कर दूं मैं कुछ भी नहीं। कांस्टेंट में 3 आना चाहिए। अच्छा सुनो, क्लास में इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी जा रहा है हमारा, हमारे पास इतना टाइम भी तो होना चाहिए। आगे बढ़ूं मैं थोड़ा सा? आइडिया हमने बता दिया आपको। अब बंद हो गया, सबने सब कुछ बता दिया। मैं बता ही दिया, मैं जा रही। ओके और किसी को आइडिया तो बता दो। हाँ और किसी के पास आइडिया तो बता दो, मेरे पास जितने मैंने सारे बता दिए। मैं चाहती हूँ कि सब कोई सब कुछ ट्राई कर ले, आंसर तो आपको 1 मिनट में मिल ही जाना है आपको। क्या क्लास में मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था जिसमें मॉड हो, डी इज इक्वल टू? कौन सा फॉर्मूला? वो ही देख रहे हैं। वो कौन सा फॉर्मूला था जो अगर मैंने कभी पढ़ाया है जिसमें मॉड भी हो? मैं भी वही याद करने की कोशिश कर रही हूँ। सी माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट मॉड था ना, मॉड में ही है। मॉड में हम सी टू माइनस सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस, हाँ मॉड में ही है ये भी। सुजली अभी इससे पहले वो फॉर्मूला बता रहे थे ना हमें, मैम यही फॉर्मूला लगेगा सी माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मैम यही लगने वाला है 100% डिस्टेंस का, राइट? यस मैम मैं गलत फॉर्मूला बता रही थी मैम, अब पता चल गया। इसको भी देख लेते हैं इससे क्या पता आंसर आ जाए ना, क्योंकि डिस्टेंस आ गया मैम, आ जाएगा मैम 100% आ जाएगा, आ जाएगा मैम। अब टू माइनस सी वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पूरा मॉड में आपका होगा तो 23/2 आएगा। सी टू कितना रखोगे? -3 -3 3 पॉजिटिव है, -3
माइनस मैम थ्री तो पॉजिटिव है फिर माइनस वन से सी वन कितना 20 क्योंकि कांस्टेंट वन तो 20 है आपका अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चलो 17 आएगा ये तो अपने को पता चल गया है अगर आप इसको प्लस रखते हो तो ये कितना आ जाएगा 17 20 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्यों देगा मैं क्या बता रही हूँ वो तो सुनो माइनस थ्री माइनस 20 आपका कितना होता है 23 हो जाएगा मोड में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा सुनो तो मेरी बात वो सब अच्छी बात है आपका फिर से मोड में पॉजिटिव इसलिए इसको मोड में रखा गया है बट आपका जो सी टू है ना वो तो पॉजिटिव है तो उसको कैसे नेगेटिव में लाया जाए पूरे इक्वेशन को माइनस से इक्वेट करके मैम सी टू माइनस सी वन है फॉर्मूले में थ्री माइनस और माइनस प्लस को हो जाएगा ओके थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यस मैम यही कह रही हूँ वेरी गुड अरे रुक जाओ ऐसे ही इस क्वेश्चन ने पूरा क्लास लेट करवा दिया मैंने आज पी वाई क्यू सोचा था मैं ही रुक गई यहाँ पे कि आप लोग जवाब दे तो जितने जवाब याद आए सारे जरिए लास्ट में आंसर मिला हमें तो इसीलिए रुक गए ना कि भाई टाइम वेस्ट कर लेते हैं बट एटलीस्ट बच्चों को पता तो चले खुद से सारे चीजें ट्राई कर लिया आंसर सारे सुजल कह रहे थे मैम सी टू माइनस सी वन होगा बट वो मॉड नहीं बोल रहे थे एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया हाँ तो उनका सही था जवाब सही था उनका ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब फाइनली अब आप मन ही मन में कुछ बोलना मत सारा टाइम वेस्ट करवा दिया आज हमारा मत बोलना बोलते हमारा ही दिमाग खराब हो गया ये कोशिश करने में जबकि वो जेई का क्वेश्चन नहीं था अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो क्या करोगे बट वो क्वेश्चन ऐसी वैसी नहीं है इफ अ ट्राइंगल एबीसी हैज वर्टिसेस ए बी एंड सी दिस दिस एंड दिस देन इट्स ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स ऑर्थो सेंटर में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए हैं शायद एक या दो कराए थे बट ये जेई मेन में आया हुआ है September 3, 2020 का चलो इसको देखते हैं मजेदार है सेम वही क्लास वाला क्वेश्चन ही रिपीट होगा आपको याद होगा तो एक ट्राइंगल बनेगा मीडियन वाला क्वेश्चन किया था ना आपने परपेंडिकुलर बनेगा यस इसको तो सबसे पहले मैं पी ले लेती हूँ इसको ए ले लो इसको बी ले लो इसको सी ले लो ओके तो ए कितना है भाई आपका ए है -1.7 बी है -7.1 सी क्या है 5.5 ओके फाइन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमें पी निकालने में यानी कि दिस बीच वाला जो आपको निकालने की वैल्यू है तो अगर मैं एम बी सी निकालू तो स्लोप हो जाएगा मेरा स्लोप यानी कि आपका ये कितना होगा एक्स वाई टू वाई वन ये होगा आपका -6 अपॉन ये कितना होगा 7.5 12 विच इज इक्वल टू -1/2 ये एम बी सी मेरा एम टू हो गया ठीक है सो इसका ठीक अपोजिट इस तरफ वाला कितना हो जाएगा एम इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा ठीक है और एम ए सी भी निकाल लेते हैं ये वाली तो एम ए सी इज इक्वल टू आपका होगा -12/6 विच इज इक्वल टू -2 तो एम ये इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक माइनस का उल्टा ठीक है सारी चीजें हमने यहाँ पे निकाल ली आप लोग समझे ना स्लोप कैसे निकला है यहाँ पे वाई टू माइनस वाई वन करके निकाल सकते हो नाउ हमें पूछा क्या है ऑर्थो सेंटर हैज कोऑर्डिनेट्स चलो ठीक है सो आप इक्वेशन ऑफ सबसे पहले एपी ले लो अगर एपी लोगे तो वाई माइनस कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 2 × x + 1 तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2 × x + 2 -7 को यही रखो अभी वाई इज इक्वल टू कितना होगा 2 × x + 9 ये आपको पहला इक्वेशन आपको मिल
y is equal to 2x plus 9 भी तो सही है मैम, अगर equal to 0 रखेंगे तो. हाँ तो आपका 2x और y आ जाएगा, बट इक्वल टू जीरो क्यों ही रखना है, इक्वेशन अलग अलग करके निकालते हैं अलग अलग वैल्यू. आपने पहले इक्वेशन ऑफ ap निकाला, अभी दूसरा क्या निकालोगे? ऑर्थो सेंटर बोला था इसने, एक और लाइन मेरा यहाँ से भी तो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर. ये भी तो एक पॉइंट देना पड़ेगा आपको BQ. सो नेक्स्ट इज, नहीं तो वो मीडियन नहीं हो जाएगा आपका. इक्वेशन ऑफ BQ विच इज इक्वल टू y माइनस वन इज इक्वल टू कितना था ये स्लोप इसका 1/2, ये वाला ही लोगे 1/2 माइनस 1/2 का उल्टा 1/2 एक्स प्लस 7. सो 2y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 7. 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9. पहले वाला का थोड़ा सा घुमा फिरा के मिला है ये हमें. और कौन सी इक्वेशन निकालने हैं, और भी कोई इक्वेशन है? दो ही तो लाइन्स है अपने पास ना, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, अगर आप जीरो करके करते तो सॉल्व नहीं कर पाते. सो ये कितना हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को एक जगह रखो आप, ये कितना है y is equal to 2x plus 9 and 2y is equal to x plus 9. सो 2x plus 9 हो जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू ये होगा x plus 9. ठीक है, y तो खत्म हो जाएगा ना आपका, 2 बचेगा अगर, तो 4x plus 18 is equal to x plus 9. सो x आपको कितना मिलेगा, 3 minus 3 y भी 3, x is equal to minus 3. अब x को जब रखोगे तो y नहीं मिल जाएगा क्या? माइनस थ्री एंड थ्री मिलेगा, बट आपको y निकालने की जरूरत भी नहीं है. क्यों बोलो तो, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे माइनस 1/2 निकाला था, उसका ठीक अपोजिट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आपने माइनस 2 निकाला था, यहाँ पे 2 लिख दिया, वैसे ही आपका जो पॉइंट निकलेगा ऑर्थो सेंटर का, वो अगर माइनस 3 है तो सेकेंड वाला 3 ही आएगा. Yes, ma'am. सो मेंस का क्वेश्चन थोड़ा इजी था ये वाला. चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. लेट द इक्वेशंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी दिस दिस. इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज एट 1 1, देन द इक्वेशन ऑफ इट्स थर्ड साइड. मतलब क्या समझ में आता है, ऑर्थो सेंटर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये 2019 में था, वो 2020 में फिर से रिपीट हुआ, थोड़ा सा अलग ही है बस. विषय क्लास छोड़ के जा चुके हैं क्या? नो मैम. हो आप यहीं पे, इतनी शांति. मैं क्यों, आपको मैं शोर मचाने वाला लगता हूँ? नहीं तो कुछ तो बोलते हो ना, कभी कुछ भी बोलते हो, तुक्का भी मारते हो, आज वो भी नहीं कर रहा इसे. क्या बात है? ना बोलने देते हो ना चुप रहने देते हो. ओके परेशान हो गया. ये भी परपेंडिकुलर. ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास. पहला इक्वेशन क्या है, 3x minus 2y plus 6 equal to 0. आपको इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड निकालना है. दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, 4x plus 5y minus 20. हमें इन सब में स्लोप भी चाहिए होगा. अभी पहले तो नाम लिख दो आप, a b c. देन कहां मैं निकालूं यहां पे स्लोप आपका, m a b आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 3/2. m AC कितना मिल जाएगा, 4/5. देन 1 1 भी तो आपके पास पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट P आपके पास कितना है, 1, 1. यस 1 1 ही है.
सो स्लोप इसका निकालोगे अगर इस वाले लाइन का तो कितना मिलेगा, माइनस टू अपॉन थ्री, एंड अगेन अपोजिट यानी कि नीचे की तरफ आ जाओगे तो ठीक रेसिप्रोकेट कर दो, m इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर हो जाएगा b अपॉन a। इतनी सारी वैल्यूज अपने को यहाँ पे मिल गई है, मतलब स्लोप मिल गए हैं। थर्ड इक्वेशन निकालना अभी आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो इसके लिए स्लाइड है हमारे पास, तो चलो इक्वेशन ऑफ सबसे पहले बीपी निकालते हैं। बीपी का पॉइंट क्या है पहले तो बता दो। बीपी y माइनस वन इक्वल्स टू फाइव अपॉन फोर एक्स माइनस वन, फोर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव, फोर वाई फोर वाई इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस वन हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सी क्यू क्या होगा, y माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर था और एक क्या था माइनस टू अपॉन थ्री x माइनस वन, तो थ्री वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस टू, थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव। इसको भी इक्वेशन नंबर टू रख लेते हैं। और स्लाइड है आपके पास? हाँ, इसके लिए तो पूरी स्लाइड है। दो इक्वेशन आपको मिल गया। नाउ बी पे अगर आप लोगे, एट बी अगर लेते हो तो 3x कितना था इक्वेशन आपका, 3x माइनस 2y नहीं प्लस 5 प्लस 6, 4x प्लस 5y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन कितना था 4x प्लस 5y। इसको तो आगे पीछे करने में ही टाइम हो रहा है। बीपी ठीक है, आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया बीपी एंड ये सेकेंड इक्वेशन है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन से एक और वैल्यू मिली है। कौन सी मिली है, 4y is equal to 5x minus 1। Now, 4y is equal to 5x minus 1. इन दोनों को लेके इक्वेट कर सकते हैं, क्या मिल जाएगा अपने को, 4y 2y हो जाएगा 2 3x प्लस सिक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस वन, सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस वन। भाई इधर क्या मिलेगा x की वैल्यू, सिक्स प्लस फाइव कितनी होगी, थर्टीन, थर्टीन माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन। अब माइनस थर्टीन को y पे अगर रख दे, सॉरी x पे रख देते हैं तो कितना मिलेगा y का, क्या कह रहे हो सुजल, सिक्स प्लस फाइव इलेवन होंगे, सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो गए आपके, ठीक है। एंड ट्वेल्व अगर जाएगा तो चलो पूरा करते हैं ना, आधा अधूरा नहीं करेंगे, थर्टीन आता है कि नहीं देखते। सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स ये तो आपका प्लस में है ना, तो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, या इसको यहाँ ले जाओ आप, ट्वेल्व प्लस वन इज इक्वल टू आप क्या, फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स, ठीक है, थर्टीन इक्वल्स टू माइनस, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थर्टीन। अब माइनस थर्टीन को अगर पुट करोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी माइनस थर्टी थ्री, इसको भी सेम करोगे तो मिल जाएगा आपको माइनस थर्टी थ्री अपॉन टू, ठीक है। एक्स वाई अगर मिल गया तो अब तो हमारे पास स्लाइड नहीं होंगे, तो एक काम करते हैं बचे हुए जगह का उपयोग किया जाएगा। किसका फोन बज रहा है, ओके फाइन, चलो एक बार आपने बी में लिया, नाउ सी का ले लो आप। Yes, तो B में लिया था तो हमारे पास ये इक्वेशन था, C में कौन सा इक्वेशन है भाई,
टी का इक्वेशन 4x plus 5y minus 20 and 3y is equal to minus 2x plus 5. 4x plus 5y minus 20 equal to 0 and 3x is equal to minus 2x plus 5. Again, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x minus 2x plus 5 हमें equation मिला था ना? के संग वायु था, कोई भी नहीं बताएगा मुझे ये बात। 2 5 माइनस 3y प्लस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 10 माइनस 6y प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यहीं से निकाल लो इसको, तो आधा आधा 10 दिख रहा है, तो माइनस 10 हो जाएगा और x आपको मिल जाएगा 35 अपॉन, ओके। y x y, थोड़ा सा माइक को म्यूट रखो ना, x y एंड x y आपको दो पॉइंट्स मिले हैं, तो मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सपोज ये b है और ये आपका c है, तो b होगा माइनस 13 to 33 अपॉन 2, माइनस 33 अपॉन 2, एंड सी क्या होगा 35 अपॉन 2 टू माइनस 10, ठीक है, इज इट ओके? बट यस यस बोलने से क्या होता है, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन इक्वेशन निकालनी है, मत निकालो इक्वेशन, रहने दो जो हमारे पास है वैल्यू, इतने बड़े इक्वेशन से में से कौन सा इक्वेशन आएगा अभी, तो वो बहुत मुश्किल है बताना। टू पॉइंट फॉर्म फिर हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ द थर्ड साइड, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दो पॉइंट्स तो मिल ही गए अपने को, उससे इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखो जेई में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप कर पाते हो तो कर पाओ, वरना मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, बहुत लंबे हो जाएंगे, वरना यू नो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा आपका। हमें दो पॉइंट्स तो मिल गए x1 y1 x2 y2, अब इससे इक्वेशन बैठ के निकालो, फिर उससे आपका इक्वेशन निकलेगा थर्ड, ओके। इसको यहीं पे छोड़ दे, टू पॉइंट फॉर्म से आगे जाके हमारा इक्वेशन निकलेगा। मैं अभी कोई टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं देख पाऊंगी, या फिर कोई हैंड रेस करेगा तो भी नहीं देख पाऊंगी, इससे अच्छा अनम्यूट होके बोल दीजिए। मैं चैट ऑफ है, हाँ चैट ऑफ है, विषभ बोले कुछ तो बोले, देखते हैं टाइम बचेगा तो टू पॉइंट फॉर्म से जा करके हम इसको निकालेंगे, थोड़ा लंबा होगा ये, अगेन एक और जाएगा, देखते हैं, ठीक है, या तो उसकी तो कैलकुलेशन ही बची है, ठीक है निकाल लेंगे उसको भी, टाइम बचेगा तो निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन लिए मैंने जेई के आज, एक दो नहीं है, पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा, लग ही नहीं आज कंप्लीट होगा साथ, बट वैसे बड़े क्वेश्चन को तो फिर करने में टाइम भी जाएगा आपका एग्जाम में, अगर टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे तो अच्छी बात है, करना कुछ चाहिए। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी 2 3 एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम पी, ये बहुत इजी है, इसका डायग्राम भी फटाफट से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक अगर लाइन आपका पास कर रहा है, इक्वेशन क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसको लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक पॉइंट पी है, ठीक है, कहीं दूर पे पॉइंट हमारे पास पी है 2, 3, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे ले जाके ज्वाइन करके यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया, एक और जगह पे आप इसको ज्वाइन करोगे और यहाँ पे क्या बनाओगे, एंगल बनेगा इसका, सो एंगल का नाम दे देना है क्यू, सॉरी एंगल का नाम क्यू नहीं होता है, एंगल का नाम होता है थीटा, पॉइंट का नाम दे देना है आपको क्यू, एंड ये आपका और ये भी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, आपको पता है ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी, और क्या दिया है अपने को भाई, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P, तो डिस्टेंस कितना है आपका 4 यूनिट, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपके पास एक डिस्टेंस है,
निकालना क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस. क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एनी आइडिया आपको? फिर से डिस्टेंस आ गया, तो क्या डिस्टेंस ही लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस वाला ही लगाए, एक ही तो फॉर्मूला है डिस्टेंस का. मॉड में C2 - C1 upon वो तो ठीक है, C2 - C1 भी ठीक है. तो इधर C2 C1 क्या है, 2, 3 और 7 तीन ही तो है अपने पास. 7 को अगर इधर ले लोगे इक्वल्स टू 0 में तो 7 तो आपको मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा? यस मैम. माइनस 7 मिल गया आपको. C1 क्या है मैम, हम इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ah plus bk plus c upon under root a square plus b square. हमें एक इक्वेशन दे रखी है सिर्फ. अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या डालोगे, h के पॉइंट लेना जो चाहते हो ना सेजल, हमेशा h के नहीं लिया जाता है. यस मैम, लग रहा था. आप a स्क्वायर और b स्क्वायर में यहाँ पे क्या डालोगे? नहीं होगा. हम 4 को भी तो रूट में ले सकते हैं डिस्टेंस को, हमें तो डिस्टेंस दिया है ना, 4 तो दिया होगा. यस मैम. यस मैम. टैन थीटा का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को भी? आ तो रहा है. कौन सा? स्लोप m1 - m2 upon 1 m1 + m1 into m2. Very good. बहुत अच्छा है वो फॉर्मूला tan थीटा का, वो भी लगेगा यहाँ पे. बट उससे पहले tan थीटा अपने को चाहिए, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे? sin upon cos. Perpendicular upon this. लो, इनको देख लो, वो सब नहीं लगेगा tan थीटा में. ठीक है, tan थीटा का तो जो फॉर्मूला आपने बताया दैट इज वेल एंड गुड, वो इकलौता ही फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है वैसे. वहां से आपको क्या मिलेगा, m मिलेगा, यानी कि स्लोप मिलेगा. tan थीटा आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो आप डिस्टेंस निकालोगे ना अपॉन में समथिंग रूट में आएगा. पहले पहले वाली स्लाइड्स में जो tan थीटा के बारे में पढ़ा था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन तो किया हुआ था, समथिंग रूट में क्या आएगा. आप यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, आपको डिस्टेंस में कुछ तो यहाँ पे मिलने वाला है. जो आपको डिस्टेंस में मिलेगा वो tan थीटा इक्वल्स टू अपॉन समथिंग रहेगा. वो कैसे आएगा, मेंस का क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी सोचोगे तो अच्छा रहेगा. हालांकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ये बात अलग है, बट इट्स नॉट वेस्टिंग ऑफ टाइम, कुछ अपने से करने वाली चीज है ये. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम क्या लेंगे, चलो ये बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या लेंगे? 1 + 1. क्यों 1 + 1? क्योंकि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 है. ओके, वो तो चलो मुझे भी दिख रहा है, चलो ठीक है 1 + 1. 2, 3 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, जो पॉइंट पी है हमारा, एच और के बन जाएंगे ना, 2H और 3K ऊपर इक्वेशन पुट कर देंगे. एच के नहीं लेना है सेजल, एच के लेते हैं, एच के आप लेते हो जब आपको पॉइंट्स गिवन है तो एच के क्यों लोगे. अच्छा अच्छा ठीक है. अब ए बी भी सबको पता है और कांस्टेंट भी 7 मिल गया, मतलब -7 मिल गया, तो एक और कांस्टेंट हमें चाहिए. वो कांस्टेंट क्या होगा हमारा, C2 - C1 है तो क्या होगा, C2 क्या होगा? फोर होगा क्या? फोर भी तो डिस्टेंस में दिया हुआ है, फोर का कोई रोल है?
दिया तो होना चाहिए कोई रोल, क्या रोल होना चाहिए वही तो बात है। SHO SHO मतलब SHO का रोल चलो बोलो कुछ तो बोलो, मुझे आपसे एक सही रिस्पांस चाहिए एकदम करेक्ट वाला, जो कि आप लोग बोलते बोलते तो पहुंच ही जाते हो, बोलते बोलते सही बता ही देते हो। बोलो ये क्लास, पता है ये क्लास मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप खुद कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ये आप खुद से कर रहे हो, ये क्लास मैंने पढ़ाया ही नहीं है किसी को, सब आप खुद रिस्पॉन्स कर रहे हो एंड खुद से ही अपना सॉल्व भी कर रहे हो। आज के दिन आप स्टूडेंट हो? हाँ मैम, आज के दिन ऐसा लग रहा है कि आप ही स्टूडेंट हो। आज मैं स्टूडेंट बन गई हूँ, बोल तो रही हूँ मैं टीचर नहीं हूँ आज, क्योंकि आज पूरा क्लास PYQ का, मैंने जान मुझे अच्छा क्लास PYQ रखा। अभी आपका एक टॉपिक बाकी है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, बट मैंने नहीं रखा सैटरडे को, मतलब अच्छा चलो लिखते हैं ठीक है। लिसन, अरे ये पेन कहाँ चला गया, मैं नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है 1+1 यानी कि 2 लिख देती हूँ रूट, ठीक है, ऊपर में भी -7 लिख देती हूँ, तो भी हमारे पास एक अभी मिसिंग है, वो क्या होगी? 4, 5, 5 को 5, 6, 7 अरे खेलना नहीं है बच्चों, सीरियस होके बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है, दिमाग, वो कैसे लगेगा? मैं 4 आएगा। हाँ 5 आएगा। 4 मैम 5 मैम 5 5 क्यों बोल रहे हो, 4 क्यों बोल रहे हो, क्यों का जवाब दे दो। 3+2 3+2 5 ठीक है, 2+3 चलो ठीक है, 5 - 7 भी एनीवेज 2 ही होगा आपका, तो इसका पूरे का आंसर आपको √2 मिलेगा। अब ये हमने क्यों किया, 2+3 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट नहीं था इसलिए। पी तो आपको स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये आपको पी दिया हुआ था, तो क्या आप यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते थे? 2 और 3 से आप इक्वेशन निकाल सकते थे, इसलिए आपने 2+3 ले लिया है, वो दो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है मेन, उसकी वैल्यू। सारे आंसर तो मैं ही बता रही हूँ, तो भी हाँ ना नहीं कर रहे हो आप, सोचना पड़ रहा है मैम। राइट है, ये करेक्ट है, 2+3 - 7/√2 तो 2 हो जाएगा, 5 - 7 2 हो जाएगा, 2/√2 मतलब √2 कैंसिल, एक √2 बचेगा अपने पास से, ठीक है, ये √2 बचेगा, दिस इज वेरी ट्रू। नाउ आपको अगर डिस्टेंस मिलता है कितना, √2, ठीक है, पहला डिस्टेंस √2 अगर मिलता है तो d2 यानी कि आपको डिस्टेंस 2 भी चाहिए। अब डिस्टेंस 2 कितना मिलेगा आपको, इसको आप d रखो या फिर उसको d1 ले लो, तो d1 कितना मिलेगा, √2 × 7 7√2 √2 × 4 4√2 यस मैम। मैं कुछ भी बोलूं सब में यस ही आने वाला है। Yes, ma'am. बच्चों पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आज की क्लास में बात नहीं कर रही हूँ, आपने जेन्युइनली बताना ठीक है, क्या ऐसा है कि जो भी हम क्लास अटेंड करते हैं, जो भी क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोग उतना ध्यान से नहीं करते या फिर भूल जाते हो या फिर उतना ध्यान नहीं देते, हाँ चलो ठीक है क्लास तो देख रहे हैं इतना समझ में आ रहा है, ध्यान तो देते हैं लेकिन बाद में क्या फॉर्मूले, मतलब लाइक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं चैप्टर कंप्यूटर में बाद, तो फॉर्मूले इतने याद नहीं रहते कि यस मैम भूल जाते हैं, यस मैम स्किप हो जाता है, पता नहीं माइंड, रिकॉर्डिंग चल रही है।
इतने मजे मजे वाली बातें कर रहे हो, हम भूल जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो पहले, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। नो मैम, सब बात आता है हमें तो। आप लोगों तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, मैं सोचो मुझे क्या पूछेंगे सब, कि ये कैसे टीचर हैं, इनके बच्चे फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। समझ में आ जाता है कि वो बार में प्रीवियस से कुछ बात है तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। यस मैम, वो थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा पीवाई क्यों कराने का डिसीजन ही गलत था, कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। सेजल, पता है आपको, एटलीस्ट मुझे एक बार आप लोगों को ग्रुप में या तो मैसेज कर देना था कि आज पीवाई क्यू की क्लास होगी, चाहे क्वेश्चंस एक बार थोड़ा सा पीडीएफ रिवाइज कर लेना, एक झलक देख लेना, क्योंकि ऐसे कराने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। मैं तो सॉल्व करवा ही दूंगी, मगर पीवाई क्यू इज नॉट समथिंग लाइक टीचर आए सॉल्व करवाए। यही इंस्ट्रक्शन हमें भी दिया जाता है कि बच्चों के मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका होता है कि बच्चे रिस्पॉन्स करें। वो रिस्पॉन्स कब करेंगे, जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा। उनको कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब उनको फॉर्मूला याद होगा और देख के वो करेंगे कि हाँ मेरे को ये याद है, मेरे को ये आ रहा है। आज का सेशन मेरा लेना गलत हो गया एक तरफ से। नो मैम, नो मैम, यस मैम बोलो। नो मैम, नो मैम, यू आर ऑलवेज राइट। नहीं, टीचर इज नॉट ऑलवेज राइट। आज का सेशन हमारी गलती थी कि हमने रिवाइज नहीं किए। मैं नाराज होकर नहीं कह रही हूँ बच्चों, आज तो मेरा थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो गया। मैं नाराज होकर नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक सबक मिला है। पीवाई क्यू करने से पहले एक बार फॉर्मूला देखना ही देखना है, तभी दिमाग में आएंगी चीजें। यस मैम, बेसिकली आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस वाला क्लास ले लिया होता तो मेरा आज पूरा क्लास भी कवर हो गया होता, बट नहीं हो पाया। आप गुस्सा मत हो। मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। अरे मैं गुस्सा क्यों होंगी, आप लोगों के साथ कल फिर मेरी क्लास होगी, बट कल वाली क्लास चीजों को थोड़ा सा मतलब ऐसे करेंगे, टू वे क्लासेस करेंगे, क्योंकि जेई के लिए मैं कह रही हूँ। बाकी क्लास को छोड़ो, मत रिस्पॉन्स करो, कोई नहीं, जेई के लिए बहुत जरूरी है। इस स्लाइड को भी डिलीट नहीं करना है, इसको यहीं पे छोड़ेंगे कहाँ पे हमने क्या लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट अब जो भी होगा वो इंटरेक्शन के संग होगा। देखो पीवाई क्यू के कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं, एक ये भी है आपका, और सारे क्लास में टॉपिक्स हो गए हैं आपके। एक ये भी है, इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये भी, पहला वाला भी। ये भी है आपका अगेन डिस्टेंस वाला, फिर से डिस्टेंस कहाँ पे क्या लेना है, दिक्कत आएगी हमें। और एक क्या है, ये भी है मिड पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन, ये भी लोकस का क्वेश्चन हो चुका है। और क्या है, ये भी है पीवाई क्यू का कोऑर्डिनेट एक्सिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी इंटरसेप्ट वाला सेम क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। एक और क्वेश्चन है रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट भी है मैं कह सकती हूँ। तो इसमें बस रेक्टेंगल और सर्कल का अपने को एडजस्ट करना है कि आपको क्या दिया है। रेक्टेंगल, एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना के इसको हमको सॉल्व करना है, तो वो तो चलो मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत ना है, इसके लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ। बट बाकियों के लिए एटलीस्ट हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं। तो क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे अभी हम लोग बिल्कुल नहीं। और ये जो दो तीन क्वेश्चन ही किया है, ये सब तो समझे थे ना जो आज दो तीन। यस मैम, हमें समझ में आ गए। छोड़ दो, हम लोग इसको कंटिन्यू कल ही करेंगे, ठीक है? यस मैम। एंड कल मैं फिर से बोलूंगी आपका क्लास मर्ज करवाने के लिए, रोज तो मर्ज हो रहा है, एक दिन और हो जाएगा, क्या दिक्कत है। कल 7:15 में फ्री रहते हैं जेई वन वाले बच्चे? क्लास है फिजिक्स केमिस्ट्री की, पीयूष सर तो नहीं देंगे मुझे क्या करूंगी, ठीक है जेई टू वालों को कराऊंगी, जेई वन वालों का देखती हूँ, अगर मर्ज हो जाए तो बैच सुबह ले लो। नो मैम, नो मैम, मैम कल छुट्टी। नो मैम, नो मैम प्लीज, शाम को ले लो 6 बजे। नो मैम, 5 बजे मैं देखती हूँ कैसे मर्ज करवाना, मैं पीयूष सर से भी बात कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बजे ले लो फिर, ठीक है? सही, आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, मेरी मर्जी से नहीं होता, बच्चों की मर्जी से मैं चलती हूँ। मैं अपनी मर्जी से कभी चली हूँ?